सो वेल। और पांच ऐसी मिस्टेक्स भाई साहब जो पिछले साल राजस्थान बोर्ड ने बहुत सारे बच्चों ने की थी, जिस वजह से क्या हुआ कि एंड में जब उनका रिजल्ट जारी हुआ ना, तो बहुत सारे बच्चे, सब कुछ अच्छा था, प्रॉपर तरीके से लिखना सब कुछ ठीक था, लेकिन ये कुछ ऐसी गलतियां थी जिस गलतियों की वजह से या तो वो उतने बेस्ट मार्क्स लेके नहीं आ पाए या फिर भाई साहब फेल हो चुके हैं। तो आज ना मैं आपको वही चार पांच गलतियां बताने वाला हूं कि आप जो अपकमिंग आपका 2024 का राजस्थान बोर्ड का 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप नहीं करो। और इसकी शुरुआत आप प्रैक्टिस के तौर पे आज से अगर करोगे तो एंड में आपको इसका काफी लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो ऑल्सो भाई साहब ऐसी राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, स्टेप बाय स्टेप समझते यार, विस्तार से थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। स्टेप नंबर वन या फिर मिस्टेक नंबर वन की बात करें जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, ये मिस्टेक आप लोगों को फेल करती है, क्या है? नॉट यूटिलाइजिंग 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम प्रॉपरली। अब यहां पे क्या होता है कि आप लोगों को पता है आपका एग्जाम शुरू होने के पहले आप लोगों को 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। भाई ये बेसिक सा रूल है, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा होता ही है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एक गलती करते हैं, 15 मिनट में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को छाटना शुरू कर देते हैं जो क्वेश्चन उन्हें हार्ड लगते हैं, जो क्वेश्चन उन्हें आसान लगते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि कौन कौन से क्वेश्चन वो कर सकते हैं, कितना है। एक तौर पर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, परीक्षा शुरू होने से पहले 15 अतिरिक्त मिनट प्रदान करती है, यह समय छात्रों के लिए सभी प्रश्नों को पढ़ने और फिर पेपर को हल करने की रणनीति विकसित करने के लिए दिया जाता है। हालांकि कई छात्र केवल प्रश्नों को पढ़कर और उनके उत्तर देने के क्रम पर निर्णय ना करके इस समय को बर्बाद कर देते हैं। भाई साहब वो ना क्या होता है, देख लेंगे 15 मिनट पढ़ लेंगे और वहां पे ना खुद का माइंड लगाने पड़ते हैं, यार इतना पेपर हार्ड है, इतना ये कठिन है, कैसे लिखूंगा, ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा। सोच सोच के भाई साहब 15 मिनट समय खराब कर देते हैं और ये नहीं देखते कि तुम उस 15 मिनट में भाई कैसे कैसे आपको लिखना, आपकी आगे की 3 घंटे की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। ये बहुत सारे जो बच्चे हैं गलती करते हैं। सेकेंड मिस्टेक मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट करते हैं, फेलिंग टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ अ क्वेश्चन। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे बच्चे ये जो है मिस्टेक करते हैं जिसमें वो जो आपका एक्चुअल क्वेश्चंस पूछा गया है उसका सेंस क्या है, भाई साहब कवि क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछने वाले ने किस उद्देश्य से उसको पूछा था, उसका सेंस समझे बिना ही वो आंसर लिखने की कोशिश करते हैं और उससे दिक्कत क्या होती है कि भाई साहब वो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, कई क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो यहां पर होता है कि आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि आपके जो पेपर होते हैं वो सेट में आते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट। एक्चुअल चीजें क्या होती हैं कि आपने जो अगर बुक से पढ़ी है, परीक्षा अध्ययन या फिर कहीं से भी आपने भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनमें जो वैल्यू होती है और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें वैल्यू को चेंज कर देता है, तौर तरीका सब कुछ होता है, थोड़ा बहुत वैल्यू या फिर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप सेंस नहीं समझ पाते कि भाई ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आना चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो गई या फिर सेम टू सेम आपसे मैच नहीं हुआ, आप समझते हो ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं और छोड़ देते हो। इसका पीछे क्या होता है, परीक्षा का तनाव और घबराहट। ठीक है, ये क्या करता है कि आपको प्रश्न समझने में ही थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हो, तो प्रश्नों को हमेशा समझ के लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत वैल्यू भी अगर चेंज है तो आपको समझना चाहिए कि यार वैल्यू ही चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर की जो गलतियां मिस्टेक है क्या होती है, नॉट आंसर बिहाइंड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को कुछ शब्द सीमा के अंदर में क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 शब्द, 500 शब्द या फिर 100 शब्दों या फिर शॉर्ट आंसर लिखिए, इसमें करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम भाई जितना लिखेंगे उतना हमें मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप जितना लिखोगे, कई बच्चे अगर ऐसा होता तो भाई पूरी की पूरी बोर्ड कॉपी में एक का ही आंसर लिख देते, जैसे अगर पूछा कोरोना के बारे में लिख दिए, भाई साहब पूरा की पूरा कोरोना वुहान से आया था, यहां से आया था, चाइना से आया था, चाइना ने चमगीदड़ खाया था, सब कुछ आप उसमें लिख दोगे, ठीक है, तो वो तो पूरे के पूरे पन्ने भर जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क ही मिल रहे हैं, तो क्यों ज्यादा लिखना, क्यों उस टाइम को बर्बाद करना, मेरा ये कहना है। तो आप जितना शॉर्ट आंसर लिखते हो और कम शब्दों में अच्छा अगर कर देते हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 शब्दों में लिख दिया कोरोना खराब था खत्म,
ऐसा भी नहीं होता भाई साहब, तुम्हें कम से कम 500 नहीं 450 शब्दों में, कम में तुमने मीनिंगफुल कुछ दिया है, तो भाई एक इंप्रेशन बनता है कहाँ पे एग्जामिनर की नजर में कि आपने कम शब्दों में अच्छा लिखा है, क्योंकि उसके पास भी इतना प्रॉपर समय नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी कॉपियां पड़े, क्योंकि उसको भाई तुम्हारे जैसे 50 कॉपियां और डेली की चेक करनी है, तो कम शब्दों में अगर तुम अच्छे से अच्छा लिख दोगे तो उसको मार्क देने में आसानी होती है, ठीक है। इसलिए हमेशा समय लिमिट, वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर नंबर 4 मिस्टेक की बात करें, क्या है, कॉपिंग इनकरेक्ट डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चे होते हैं, इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो होता है कि वो बच्चे क्या हो जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं कि अगर कुछ वैल्यू दी है, कुछ चीजें दी हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उन क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू को इधर उधर लिख देते हैं, देखते नहीं ध्यान से, कोई क्वेश्चन ऊपर दिया है तो उसका नीचे लिख देते हैं, कहीं लिखते कहीं नीचे दिया है तो उसको ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर गलत डाल देते हैं, ये करते हैं। सेकेंड इसी में ये होता है कि कई बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सामने इधर कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है, इधर पीछे कोई बैठा है, उनका छाप लिया, ठीक है। बच्चा खुद कंफ्यूजन में, उसे लग रहा है कि मैंने पढ़ा था भाई साहब कि यहाँ पे नंबर क्वेश्चन, जैसे मल्टीपल चॉइस में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है ये आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सामने वाले से आपने पूछा, उसका टापा देख लिया, अब उसने बताया कि भाई ए आएगा, बी नहीं आएगा इसका आंसर, तो आप खुद भले ही कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो, लेकिन आपको लगता है भाई इसने बताया तो सही होगा। हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सामने वाले ने बताया तो सही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है उसे खुद नहीं पता हो, उसने खुद अंधाधुंध मार रखा हो। इस चक्कर में क्या होता है, खुद का तो वो खुद तो डूबेगा, साथ में आप डूब जाते हो। खुद में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस इसका पता है कि आंसर यही है, तो भाई सामने वाला कितना भी कुछ बोले, भाई तुम्हें एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे दे, खुद पे बिलीव करना। और ये भाई बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, इस चीज को थोड़ा गहराई से लोगे तो मुझे लगता है आई थिंक कि यहां पे आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है आपकी लिविंग द इजी क्वेश्चन फॉर लास्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन उन्हें बन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें लगता है यार ये तो मुझे बन रहा है, भाई चिल मारो, लास्ट के 15 मिनट या आधा घंटा में तुम्हारा भाई कर लेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होता है ना कि आप क्या करते हो, जो आ रहा है आप उसको लास्ट के लिए बचा के रख देते हो, अब जो नहीं आ रहा है उसमें आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हो। यहां पे होता क्या है, आपका दिमाग ऑलरेडी भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सेकेंड चीज एनर्जी गई, थर्ड चीज थक गए लिख लिख के। अब यहां पे जो तुम्हें आ रहा है तो क्या लगता है तुम उतना प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। एक आप सुबह उठते हो, थोड़ा घूमते हो, फिर तो आप फ्रेश हो जाते हो, तो सुबह में आप जो भी काम करते हो ना फुल एनर्जी के साथ करते हो, या फिर अच्छा अच्छा ही करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर वही काम आप शाम तक करते रहोगे ना, तो भाई आपका खुद इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, आपका डेली रूटीन में होता है। सेम चीजें यहां पे भी होती हैं, आपने पूरा जो दिमाग है अपना फ्रस्ट्रेट करके पूरा परेशान कर लिया, दिमाग में कचरा भर लिया है किस चीज को, जो क्वेश्चंस आ नहीं रहा था उसको, अब इतने में मान लो कि 2-2.5 घंटे वहां पे आपने दिमाग वेस्ट कर दिया। लास्ट में आपके जो आ रहे हैं उसमें आपको दो चीजें होंगी, एक तो आपका माइंड प्रेशर में होगा कि भाई साहब 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। सेकेंड चीज आपको ये रहेगा कि आप थके रहोगे, एनर्जी नहीं रहेगी आपने, क्योंकि पूरा दिमाग उधर लगा दिया है। लास्ट में भाई साहब खत्म, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, एंड में तो घंटी बज जाएगी, मैडम छीन के ले जाएगी तुम्हारा पेपर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो आ रहा है ना सबसे पहले उसे कर दो, उससे क्या होगा कि तुम्हें ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लाइक अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें कैसा है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा खुशी होती है, और वो क्या होता है कि वो आपका जो मोटिवेशन बनाए रखता है। तो उस चीज को आपको करना है कि जो आ रहा है पहले कर लो, दिमाग वाला काम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको एग्जाम देने गए हो तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग के जाओगे तो भाई साहब फेल होना है। लेकिन इतना भी नहीं लगाना है कि जो आ रहा है उसको ही छोड़ के आ जाओ। तो ये कुछ 5 मिस्टेक थी जो आई थिंक आप लोगों को नहीं करना है नेक्स्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स में। और इस चीज में अगर कुछ मुझसे कमी रह गई हो कि आपको कुछ लगता है कि एडिशनल बताना चाहिए थे, या किसी और टॉपिक में भी हमें वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स आपका खाली है, बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ में चैनल पर नहीं होते यार ऐसी राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था।